नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है सम बीजाणुकता और विषम बीजाणुकता में अंतर लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं सम बीजाणुकता और विषम बीजाणुकता में अंतर। विषम बीजाणुकता तथा सम बीजाणुकता में अंतर। विषम बीजाणुकता के अंतर्गत आपको याद रखना है पहला पॉइंट है विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटा। ये दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, वृद्ध या फिर दीर्घ बीजाणु तथा लघु बीजाणु। ठीक है, उदाहरण में सिलेजिनेला यानी विषम बीजाणुकता किसमें पाई जाती है, सिलेजिनेला में। ठीक है, इनके अंतर्गत दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं, एक है वृद्ध तथा दीर्घ बीजाणु तथा दूसरा है लघु बीजाणु। अब आपको याद रखना है सम बीजाणु में, सम बीजाणु या फिर टेरिडोफाइटा, इसके अंतर्गत इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम। ठीक है, देखो आपको ध्यान में रखना है कि विषम बीजाणुकता का उदाहरण है सिलेजिनेला और सम बीजाणु का उदाहरण है लाइकोपोडियम। सम बीजाणु का जो पहला पॉइंट है ऐसे टेरिडोफाइट्स जो केवल एक ही प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें सम बीजाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो ये है विषम बीजाणुकता और सम बीजाणुकता में अंतर। ठीक है, विषम बीजाणुकता में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक है वृद्ध या फिर दीर्घ बीजाणु तथा दूसरा है लघु बीजाणु। और विषम बीजाणुकता उदाहरण है सिलेजिनेला, जबकि सम बीजाणुकता में क्या होता है, इसमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं उन्हें सम बीजाणु कहते हैं और इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और विषम बीजाणुकता और सम बीजाणुकता में अंतर समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।